Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. अच्छा जी इब्तिदा करते हैं आज जुमेरात का लेक्चर पिछले कुछ सवाल रह गए थे उनको पहले हम कंप्लीट करते हैं फिर नए सवाल पे आएंगे अब एक हमारे मानचेला से किसी दोस्त का सवाल था उसने कहा था नाम मेंशन मत कर अपने महबूब को कैसे हासिल करें इट इज आल्सो अ सोशल इशू प्लीज डिस्कस इन योर थर्सडे लेक्चर इन डिटेल प्लीज डोंट मेंशन माय नेम अच्छा ये सवाल इतना अहम है कि पाकिस्तान की सड़कों की दीवारों पे ये लिखा होता महबूब को हासिल करें दो चीजें होती है वो एक गोरा आया कभी उसने पूछा सर पाकिस्तान गुजारा उसने उर्दू भी सीखी उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता इस मुल्क की आबादी इतनी बढ़ रही है जिसको इंतहा नहीं मगर हर दूसरी चौथी दीवार पे लिखा होता है शादी से पहले मायना कराए शादी के बाद मायना कराए मर्द तो यहाँ क्या मर्द कमजोर होते हैं तो फिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं एनीवे ये सवाल बड़ा अजीब सा मसला सारा ये है कि अगर किसी शख्स को मोहब्बत हो जाए किसी दूसरे शख्स से तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो शख्स को अपना ले सारी जिंदगी के लिए जाए जिस चीज को इंसान चाहता है वो समझता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो शय वो इंसान कोई भी हो वो उससे सारी जिंदगी अपने साथ रहे उसके लिए काविशें होती है कई दफा बिरादरी के मसले आते हैं कई दफा मजहब का मसला आता है फिरके का मसला आता है जबान का मसला आता है तो कई चीजें होती है अब मेरी जाती तौर पर राय तो ये है कि अल्लाह ताला से इंसान दुआ करे और ये करे कि अगर मेरे हक में बेहतर हो तो एक सवाल शायद आएगा आगे जाके आज आएगा या नेक्स्ट जुमेरात को आएगा कुछ लोग बड़े अजीब से होते हैं कहते हैं अगर अल्लाह जब सब कुछ कर सकता है तो ये क्यों ना कर दे कि भाई इसको फिर भी राजी कर दे मेरे लिए यानी मैं राजी हूं उससे बेहतर है कि वो उसको राजी कर दे तो इस पे मैं जब आएगा सवाल उस पे तफसीली जवाब दूंगा फिलहाल इतना ही है कि जी कुछ चीजें ऐसी है कि जिसके जरिए आप किसी शख्स के जहन में अपना ख्याल डाल सकते हैं ये गलत नहीं होगा अगर आपकी इंटेंशन सही है मिसाल के तौर पर किसी से आपने पैसे उधार लेने और अगर वो उधार नहीं दे रहा तो उसके जहन में ये ख्याल डालना गलत होगा इनऑथेंटिक होगा क्योंकि उसकी मर्जी शामिल नहीं है इसी तरह किसी लड़की या लड़के को अपनी तरफ मायल करना जबकि उसकी मर्जी शामिल ना हो ये भी उसूलन एथिकली इखलाकियात के हवाले से गलत होगा पर ऐसी चीजें हैं जिससे ये की जा सकती है एक तो ये गलत ही रास्ता है अमलियात का वो कभी मैं नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए उस रास्ते पर ना जाइएगा क्योंकि उसमें बहुत गलत चीजें होती हैं अमलियात जो होती है दूसरा इंसान का जहन का पावर है माइंड का पावर है मौला कायनात का एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि अगर आप किसी शख्स को अपने जहन की कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो उन्होंने एक तरीका लिखा है ये कि आप सुकून हो जाए आंखें बंद कर लीजिए और फिर अल्लाह ताला को याद करें और उसके बाद जब आपको लगे कि आप एक बहुत ही पुरसकून कैफियत में दाखिल हो चुके हैं तो आप उस शख्स का तसव्वुर लाए और उससे बात करें जैसे वो आपके सामने मौजूद यही चीज़ साइंटिफिकली फोर डायमेंशन और सिल्वा में सिखाई जाती है इसको हम मेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं और वो काम करता है पर ये जहन में रखें कि जो भी आप काम के लिए इन टेक्निक्स को यूज करें ये बिल्कुल जायज है यूज करना एक दुआ जरूर रखिएगा कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है क्योंकि ये ना हो कि वो जालिम महबूब तो मिल गया या कदमों में तो आ गया मगर उसके बाद उसने आपको अपने कदमों में कर लिया सारी जिंदगी तो फिर बाद में तकलीफ बड़ी होती है तो मोहब्बत की शादी गलत नहीं है सिर्फ ये कि निभाना जरा मुश्किल होता है अगर इंसान इस चीज़ का तैयार कर ले के सेक्रीफाइस कुर्बानी देने को तैयार हो ऊंच नीच को मैं बर्दाश्त करूंगा तो फिर शादी निभ सकती है अगर मोहब्बत की शादी नहीं होती अगर वैसी शादी होती है जो घर वाले मिलके एक दूसरे को डिसाइड करते हैं फिर भी अगर उसमें इंसान अगर सब्र से काम ना ले कुर्बानी ना दे बर्दाश्त कम हो तो फिर वो शादियाँ भी नहीं काम करती सिर्फ मोहब्बत की शादी में एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई होता है इंसान की तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती है इस वजह से उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं मगर जिस शादी में मोहब्बत शादी से पहले ना हो तो उसमें जरा एक्सपेक्टेशन लेवल कम होती है नेक्स्ट सवाल ये शायद ही आपका जवाब भी मिल जाए इसमें पता नहीं इसमें मैंने बात की थी असलामुअलैकुम सर आई हैव अ क्वेश्चन हाँ मैंने कर चुका हूँ
lumps come naturally, why does guilt come in? मैंने कहा था ना diametric airport Moiz model की बात थी, ये मैं दे चुका हूँ. तीसरा सवाल ये, सलाम सर, what is the voice in ears when we sit in silence? जैसे चूतिया की आवाज हो, आजम. दोस्त एक बात समझ ले, एक आवाज तो वो होती है जो बैरूनी दुनिया, खारजी दुनिया से हमारे कानों के जरिए आती है. जब हम किसी तरह मराकबे में बैठते हैं, इबादत में बैठते हैं, कोशिश करते हैं अपने जहन को सुकून करें, और या ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई और आवाज ना हो, किसी किस्म की ना ऐसी जगह हो सकती है कि बिल्कुल कोई आवाज ना हो, तो फिर दो चीजें होती है. एक हमारे अंदर की आवाज आना शुरू होती है हमें, और एक माहौल में बारीक सी आवाज जो आमतौर पर जिस पर हम तवज्जो नहीं करते, वो आवाज हमें सुनाई देती है, क्योंकि हम हसास हो जाते हैं. खासकर मराकबे और इबादत में इंसान हसास हो जाता है, तो वो जो आवाजें आती हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको हटाती है, कोशिश करती है कि आप जिस चीज पे अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं उससे आपकी तवज्जो हट जाए, कि आपका जहन ही खुद आपके साथ गेम खेलता है. तो एक मेडिटेशन है, उसमें 10 दिन का वो प्रोग्राम होता है, उसमें आप बात नहीं करते, नहीं पहले दिन से जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, और वो जाहिर है इस तरह नहीं होती, वो खास जगह पे ले जाते हैं जहाँ बिल्कुल पुरसुकून जगह हो, ट्रैफिक से दूर, कोई खेत में, कोई फार्म हाउस में, बिल्कुल दूर, जहाँ बाजार कोई आवाज ना हो, सिवाय फितरत की आवाज के, परिंदे के बोलने की मतलब. और वहां पर भी वो कोशिश करते हैं कि जो लोग वहां मौजूद हो वो बात ना करें एक दूसरे से, 10 दिन तक बात नहीं हो सकती, आप किसी की आवाज नहीं सुनते. तीसरे चौथे दिन आपको ऐसी आवाजें सुनाई देती है कि जो आपको गुमान भी नहीं था कि मैं इसकी आवाज सुन सकता. आप देखिए जब सन्नाटा होता है उसमें बारीक सी आवाज भी बहुत बड़ी लगती है. अब हमारे गिर को सन्नाटा होता ही नहीं, कहीं ना कहीं आवाज है, टीवी चल रहा है, किसी का मोबाइल है, गाड़ी आ रही है, जा रही है, तेज हवा चल रही है, तो आवाज तो होती है. मगर जब सन्नाटा जात के अंदर होता है, सन्नाटा जब जात में आता है, फिर एक खास किस्म की आवाज निकलती है, ये इंसान के अंदर की आवाज होती है. तो अच्छी आदत है, मराकबा करें, अब तो हमने भी शुरू करा दिया. तीसरा सवाल, चौथा सवाल, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल फोर डायमेंशन रिलेटेड है. आपकी एक वीडियो में आपने कहा कि हम दूसरों के कैरेक्टर और उनकी बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं, तो क्या हम अपने बारे में भी पता? बिल्कुल जी वली अहमद साहब है, कोई इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा. आइडियली सिल्वा है, उसमें अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी पता चल सकता है. अपने बारे में सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी अपनी जात के बारे में कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं, हमारी एक शख्सियत है हमारे जहन के अंदर. तो जब हम अपने बारे में छानबीन करते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है नॉन जजमेंट, यानी हम अपने आप को नापना तोड़ने बड़ा मुश्किल है. हम करने ही लगते हैं कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं, जैसे हम कहते हैं ना मैं सही था, उसने गलत किया, बला बला बला. तुम्हारा हो सकता है, ये छोटा सा जवाब है, मैं बता दूंगा. अस्सलाम वालेकुम सर, आपके लेक्चर्स में आप कहते हैं कि ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें जो लोग आपके अतराफ में. तो जब मैं मुशाहिदा करना शुरू किया तो मैं जजमेंटल हो गया, और क्या ये ऑब्जर्व करने का तरीका है? अक्सा ने लिखा है सक्कर से. कमाल ये है कि आप मुशाहिदा करें और फिर भी नॉन जजमेंटल. यदि लोगों को नाप तोलना बंद कर दें, अपने नजरिए के मुताबिक आप लोगों को नाप तोलना, उनको जज करना, उनको परखना बंद कर दें. हमें बचपन से ही आदत डाली गई है, हम स्कूल वगैरह में भी सीखा है, हम लोगों को जज करते हैं, किसी को उसके रंग रूप से, किसी को कदकाद से, किसी को दौलत से, गुर्बत से, जो भी हम जज करते रहते लोगों को. जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ऑब्जर्वेशन बाय द वे इल्म हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है. तीन तरीके इल्म हासिल करने के, एक किताब, किसी किस्म की कोई किताब हो, चाहे वो आसमानी किताब हो या किसी की लिखी हुई किताब हो, जिसको हम इल्हामी किताब कहते हैं, आसमानी किताब, या किसी की लिखी हुई हो, किसी के तजर्बात हो, उससे भी हमें इल्म मिलता है, या किसी मुस्तनद इंसान हमें बताए इल्म आते हैं, स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में टीचर्स देते हैं, मौलवी साहब हमें वाज में बताते हैं, दस में बताते हैं, माँ बाप बताते हैं. मगर एक तरीका जो सबसे ज्यादा इल्म हासिल करवाएगा आपको, वो है ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, खुद मुशाहिदा करो ज़ाती तौर. मगर उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हम जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं, हम चीजों को जज करना शुरू करते हैं.
ये सही है ये गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए वहां होना चाहिए, ये इधर अच्छा लगेगा उधर अच्छा लगेगा, जज कर लो। जजमेंटल निकालना होगा आपको, ऑब्जर्वेशन जरूर करें, सोचे गौर करें, चीजों को देखें, मिलाने की कोशिश करें, कनेक्शंस कोशिश करें, तो बहुत इल्म हासिल होगा। मगर जजमेंटल नहीं होना ये सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को रोकना। कई दफा गपशप में हम लोगों को जज करना शुरू करते हैं, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं गीबत है, उनके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, तो नियत आपकी ना हो जज करने। हाँ, किसी को आपने देखा कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, अगर वैसे कपड़े पहनता तो ज्यादा बेहतर लगता, तो ये बुराई नहीं है उसकी, ये आपके ख्याल में आपके अपने नजरियात से आप उसको चेक कर रहे हैं कि ये चीज बेहतर होगी। जजमेंट में ये होता है कि हम अपनी जात को सामने रखकर दूसरों को जज करें, यानी दो चीजें होगी ना, एक मैं एक ये दुनिया पूरी। अब मैं जज कर रहा हूं अपनी नजर से और मेरे नजर ये आती है कि ये चीज होनी चाहिए ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो अगर मेरी जात शामिल ना हो और एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव किस्म की अप्रोच हो किसी चीज को समझने की, तो वो जजमेंटल नहीं होगी। तो ऑब्जर्वेशन करें, बहुत बड़ी खूबी है अगर आप में डेवलप हो जाए, गौर और फिक्र करा करें, सोच विचार करें, तदब्बुर करें, बहुत कमाल कीजिए। अच्छा जी, ये बड़ा लंबा, एक तो मैंने रिक्वेस्ट की थी दोस्तों के आप सवाल जरूर भेजें, मैं जवाब दूंगा, मगर आपके सवाल इतना बड़ा होता है कि मुझे पढ़ने में टाइम लग जाता है। अब हमने मराकबा भी शुरू कर दिया पिछले जुमेरात से, आज भी करेंगे, हीलिंग भी होगी एक आध मिनट, तो अब हमारे पास वक्त की तंगी है, तो जरा कोशिश करें सवाल शॉर्ट में भेजें। बारह नहीं पढ़ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल हदीस के मुताबिक है, मौला अली फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन उसके थोड़े आमाल पर राजी हो। सर अब सवाल मेरा ये है कि क्या हम हलाल रिस्क में इजाफे की कोशिश रख कर गलत कर रहे हैं, यानी कोशिश गलत कर रहे हैं, कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्या बरोज कयामत हमारी पकड़ होगी, यानी कि हम अपने हालात तब्दील ना करें, बस जो कुछ है उसी में खुश रहें, ज्यादा हलाल दौलत की तमन्ना गलत है। एक मौलवी साहब यहाँ तक कहते कह बैठे कि इंसान जब भी दौलत की तमन्ना करता है बेचैन हो जाता है, फिर उसपे उसे और ज्यादा दौलत की तलब होती है, फिर वो बदी की तरफ मायल हो जाता है और गुफ्तगू के आखिर में ये कहने लगे कि बस भाइयों मौत को याद करो, आखिरत की फिक्र करो, ये दुनिया फानी है। लेकिन अगर उनके बयान के मुताबिक पूछ ले तो हम काफिर हो जाएंगे। सर एक मौलवी की बात रद्द की जा सकती है, लेकिन सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई गलत साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, ये हुसैन वारसी सर, सैयद मुनीम हुसैन वारसी हैं। अच्छा मैं जवाब दे देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सही है, समझने की बात है और किसी ने आपको समझाया नहीं। दौलत की लालच, उसकी हिर्स इतनी ज्यादा हो कि इंसान अंधा हो जाए वो गलत है, मगर लालच बाई एक्सेल बुरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जन्नत की लालच बुरी है, नहीं है ना? अच्छा मौलवी साहब हूर की लालच बुरी है, बिल्कुल नहीं, 70 हूरें मिलेंगी, बुरी नहीं है लालच। तो आपने देखना है कि आपकी जात के अंदर जो आपकी एक नफ्स है, नफ्स अम्मारा जिसे कहते हैं, एक नफ्स अलवामा, एक नफ्स अम्मारा तो मजबूत नहीं होती किसी चीज की पीछे जाने से, अगर वो होती है तो फिर ना चाहे। मगर सवाल को मैं शॉर्ट करता हूं, कहना ही इनका ये है कि जी क्या हम एफर्ट ना करें, क्या हम कोशिश ना करें? अगर ये कोशिश नहीं होगी तो दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। आज दुनिया में जो कुछ है, जिंदगी आराम है, सुकून से है, बीमारियों का इलाज है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसमें जैसे कि लोगों ने जिद्दोजहद की कोशिश की, तो कुरान पाक परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी आपको रोका नहीं है तरक्की से। ना होता अगर तरक्की रोकनी होती तो कभी ये ना कहते कि मोमिन इल्म मोमिन की कोई भी मीरास है, क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए आपको यहां से उठ के जाना पड़ेगा, ये जाना भी जिद्दोजहद है। थोड़ा सा समझना है कि बात क्या है। बात यह है कि जब इंसान के पास कुछ होता है तो वो उसका शुक्र गुजार होने की बजाय दूसरों को देखता है कि उसके पास ज्यादा है, तो ये जो एक नाशुक्री का एलिमेंट है कि जो उसके पास है उस पर पहले शुक्र नहीं करता, वो देखता है मैं और लूंगा उसके पास ये मेरे पास कम है,
तो जब वो कंपेयर करता है तो जो कुछ उसे रब ने दिया है उसे वो कम लगता है। जब वो कम लगता है तो फिर वो मायूसी का शिकार हो जाता है, नाशुकरा हो जाता है। तो यहां बात यह है कि सबसे पहले जो आपके पास है उसका शुक्रगुजार करो, उसे इस्तेमाल करो, जिंदगी का हिस्सा बनाओ, लेकिन रुक मत जा, क्योंकि रुकोगे तो जिंदगी आपकी रुक जाएगी। याद रखे, हरकत होगी तो इंसान जिंदा होगा। जो चीज मुतरक होती है वो चलती रहती है, पानी की तरह, पानी रुक गया तो गंदा हो गया, बहता रहा तो पाक है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए खूब से खूब तर की तलाश, कोशिश करनी चाहिए तरक्की की, अपनी जिंदगी बेहतर करे, अपनी आमदनी बढ़ाए, मगर उस पैरामीटर में जो अल्लाह ताला ने रखा है कि भाई हलाल होना चाहिए, झूठ बोल के नहीं कमाना, बेईमानी करके नहीं कमाना, वगैरह वगैरह। अब कई दफा ये होता है कि जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है जो उनके मन को सुकून बख्शती है, और वो है कि अल्लाह की मर्जी। जो जिद्दोजहद नहीं कर सकते, डरपोक होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं या किसी और चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि इंसान जमूद में चला जाए, रुक जाए। इस हदीस का मतलब ये कि पहले जो चीज आपके पास है उसे इस्तेमाल करो, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। ये भी बता दूं कि इंसान जब वक्त आएगा पूछने का, तो पूछा जाएगा तेरे पास इल्म था, ताकत थी, सेहत थी, दौलत थी, अकल थी, क्या काम किया तूने उससे? तो क्या जवाब दोगे? घर में बैठे रहे, आपको जवाब देना होगा ना। हाँ, दौलत ज्यादा थी तो दौलत का इस्तेमाल कैसे किया? सिर्फ अपने ऊपर खर्च किया? नहीं, दूसरों को भी बांटी, अजीज रिश्तेदारों का ख्याल रखा, गरीबों का ख्याल रखा। तो वो जो काम आपका होगा उस दौलत का इस्तेमाल, वो शायद आखिरत में बख्शिश का सामान हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफा कहता हूं जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया है हमारे माशरे में, वो चीज इखलाकियात पे मबनी है, इंसानियत पे मबनी है, उसको पीछे कर दिया गया है। मैं चंद दिन पहले एक बात कह रहा था, शायद पिछली दफा मैंने कही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के। मैंने कहा था ना, एक चैनल पे, एक चैनल है, उस पे, उस चैनल के जो मेन हेड है, जो जिन्होंने सब तंजीम बनाई, वो था किसी उस चैनल में एक साहब और हैं जो बड़े हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, इन्होंने फोन किया उनको और फोन करके कहा कि जी मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपके वालिद के दर्जात, वो आदमी बड़ा अमीर है, आपके दर्जात बुलंद करें, ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र। और फिर कहा कि देखिए अब इनके इसाले सवाल के लिए एक मस्जिद बना दें। बिल्कुल बना दें, मगर जिस माशरे में लोगों को खाने को ना मिले, बीमारों को दवाई ना मिले, इलाज ना मिले, सर पे छत ना हो लोगों के, वहां मस्जिद बनानी चाहिए कोई और चीज बनानी चाहिए? ये फर्क हमें नहीं बताया किसी ने, क्योंकि हमारे बताने वाले जो लोग थे उनके अपने जाती मफाद। मुझे ये बताइए, आप यहाँ बैठे इतने सारे लोग, बड़े सारे नाज़रीन सुन रहे हैं, अगर आपके पास एक अमाउंट है 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख, जो भी आपके पास, अब आपके पास चॉइस है कि मस्जिद में चंदा दें या किसी यतीम खाने के अंदर या किसी गरीब अस्पताल में किसी का इलाज हो जाए, किडनी का कहाँ देंगे आप चंदा? मुझे बताइए, बड़ी बात है, क्योंकि मस्जिद के अंदर इबादत होती है, और इबादत कहीं पे भी हो सकती है, इबादत घर में भी होती है, सहरा में भी इबादत होती है, जहां छत ना हो वहां पे भी इबादत होती है। तो अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद हो तो बहुत अच्छा, मगर प्रायोरिटी, तरजीहात क्या होनी चाहिए माशरे में, कि जो लोगों को जिंदगी में तकलीफ है माशरे में, उनके लिए आप अपनी दौलत को खर्च करें। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जाहिर वो बात मैंने सुनी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा काश ये शऊर, मतलब सब मुझे शऊर नहीं, शऊर देने अल्लाह को, किसी को मिले किसी को ना मिले, तो इतना इल्म हासिल करने के बाद भी लोगों में शऊर नहीं होता, बेशऊर लोग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, अल्लाह ने बड़ा शऊर दिया होता है। तो इसको इस तनाजुल में देखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हो या कुरान की कोई आयत हो, उसे समझना होता है कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट में लेकर। हम कंटेंट पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है,
इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि इंसान के पास जो है उसका शुक्र तो अदा करे, उसे इस्तेमाल करे, रब को याद करे कि उसने भी नेमत दी है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। तो अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, ये कॉन्टेंट को अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जाए जो कि इंसान के पास है, वो बिल्कुल शुक्रगुजार हो और आगे जिद्दोजहद करे। बड़ा अजीब माशरा है, ज्यादा बात नहीं हो सकती इसके ऊपर क्योंकि मसला हो जाएगा। सर मुझे ये सवाल पूछना है कि क्या माँ बाप के प्यार में और हस्बैंड के प्यार में फर्क है? क्या अगर हम हस्बैंड को टाइम दें तो माँ बाप को नाराज होना चाहिए? क्या इस वजह से माँ बाप को हमसे नफरत करनी चाहिए? अच्छा फिर मुझे मौलवी वाले सवाल ना पूछो क्योंकि यहाँ आ जाता है मसला मौलवी वाला। तो एनीवे, जो मकाम माँ बाप का है वो कोई छीन नहीं सकता। शादी के बाद कहते हैं शोहर को क्या कहते हैं, सरताज, यानी सर का ताज। शोहर के अपने हुकूक है। बैलेंस बड़ा जरूरी है कि शोहर का जो काम है वो भी करे और अपने माँ बाप की खिदमत कर सकती है तो करे। सास की खिदमत करना जरूरी नहीं, अपने माँ बाप की खिदमत अगर कर सकती है उसमें कई चीजें हैं। मौलवी हजार बड़ी चीजें बोलते हैं, शोहर से इजाजत लेके जाओ, अग्रीड, मैं इस पर कोई कमेंट नो तबसरा मैं नहीं कह सकता। शोहर को समझना चाहिए कि अगर उसकी बीवी के माँ बाप हैं और वो उनकी खिदमत करना चाहे तो ये फर्ज शोहर का। देखिए फिर वही बात, हमें बड़े जाविये में देखना होगा। शोहर की क्या जिम्मेदारी, उससे पूछा जाएगा ये तेरी बीवी थी, ये अपने माँ बाप को मिलने को तरस गई थी क्योंकि तूने, कई घराने ऐसे हमारे पास आती है ईमेल जहां शोहर माँ बाप से मिलने नहीं रहता। पढ़े लिखे घराने की बात कर रहा हूं, अभी कैनेडा से किसी खातून का 2 दिन पहले ईमेल आई थी। पढ़े लिखे माशरे में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई, खबरदार तुम अपने माँ बाप से बात नहीं करूंगी, खबरदार उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। अब वो बिचारी मर के जा रहे, उसकी औलाद भी है, शौहर भी है, घर तो नहीं तोड़ सकती वो अपना। तो उसने कहा कई साल हो गए मैंने अपने माँ बाप से बात तक नहीं, कौन भी नहीं करने, कितना जुल्म करता है यार। तो उसे जवाब देना है। तो हर जगह पे बैलेंस हो, शौहर बैलेंस रखे, बीवी बैलेंस रखे। ये ना हो कि पूरे दिन माँ बाप के घर पे हो, शौहर को निग्लेक्ट करे, ये भी गलत है। और माँ बाप को जरूरत हो, बीमार हो, कुछ चाहिए तो फिर वो माँ बाप के लिए टाइम निकाले, शौहर को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये शादी का रिश्ता है ना, ये वाहिद रिश्ता है जिसमें कोई बंधन नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, राइट। अच्छा ये रिश्ता 3 बोल पे शुरू होता है, 3 बोल पे खत्म होता है, कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक तलाक तलाक, 3 बोल पे। यानी पूरी जंजीर जो है सिर्फ 3 बोल पर है, कुछ नहीं। बाकी भाई बहन माँ बाप ये तमाम रिश्ते जो है, ये रिश्तों का ताल्लुक अलग है, खून का रिश्ता है, रिश्तेदारी है, ये रिश्ते बड़े डिफरेंट होते हैं, ये रिश्ता बड़ा डिफरेंट है। मगर देखा जाए तो ये बजाय कमजोर रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता भी हो सकता है अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे की जरूरतों को समझे, एक दूसरे के जज्बात को समझे, उनकी नीड को समझे, तो ये बहुत मजबूत रिश्ता हो सकता है। तो इसमें शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी को भी समझे और बीवी को चाहिए कि शौहर को समझे। नेक्स्ट, अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है। सलाम सर वाले, हाउ कम मदर स्टेटस इज सो हायर इन इस्लाम, ऑल्दो मदर इज नेवर हैव जस्टिस, शी हैज डबल स्टैंडर्ड। अपने दिल की बात कर रहे हैं कि इस्लाम में माँ का मकाम इतना बड़ा क्यों है जबकि माँ इंसाफ नहीं करती और उसके डबल स्टैंडर्ड होते हैं। बेटे के लिए और होता है, बेटी के लिए और होता है, बहू के लिए और होता है, अपनी बेटी के लिए कुछ और होता है, अपने दामाद के लिए कुछ और होता है, अपने सगे बेटे के लिए कुछ और होता है, उनके बच्चों को सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, मुख्तलिफ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और उनके बेटे हमेशा सही होते हैं और उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है वो, जबकि दामाद को और बहू को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। देन हाउ मदर स्टेट इज सो हाई। मुझे इवेंट याद है, मेरे बच्चे जब छोटे थे, अली मुर्तजा, मेरा छोटा बेटा मुर्तजा अपनी माँ से बहुत लड़ता हूँ, छोटी छोटी बातों पर लड़ता हूँ। अच्छा वो जिद्दी और बड़ा फोकस लड़का है, जो उसको चाहिए वो करेगा। तो कई दफ़ा वो सब्जी नहीं खाता था, मैं अगर लाहौर इस्लामाबाद में हूँ तो रात को फ़ोन आता था मेरी वाइफ का, ये जिद कर रहा है, और एक जुमला अक्सर इस्तेमाल करती है, मैं उसको मना किया जुमला इस्तेमाल मत करो, मेरा खून पी जाता है, तंग करने को खून पी जाता है आमतौर पर, कभी भी जुमला इस्तेमाल ना करें। बट एनीवे,
तो फिर मैं उसको फोन लेता था, मैं उससे बात करता था, उसको समझाता था, फिर वो मान लेता, फिर वो जो भी माँ कहती थी वो मान लेता था, मेरी बात मानता था। तो एक दिन मेरी और वाह में घर पे था, तो मेरी वाइफ के दरमियान को थोड़ा सा इख्तलाफ होती थी बात, तो मुर्तुजा हो गया मेरे ख्याल में आठ एक साल, तो मेरे पास आया, ये आप अम्मी से क्यों लड़ रहे, उनके पैरों के नीचे जन्नत है। मैंने बेटा तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, ये फर्क बड़ा बहुत जरूरी है। औरत मुख्तलिफ किरदार है, बहन है, बेटी है, माँ है, बहू है, बीवी है, मुख्तलिफ किरदार है माशरे में औरत के। जो सबसे आला किरदार है वो माँ का है, सबसे बुलंद जो मकाम है वो माँ का है। वजह यह है कि माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर पालती है, तकलीफें उठाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी माँ का उससे ताल्लुक खत्म नहीं। मुझे यकीन है कि कुबलाई खान और चंगेज खान की माँ भी अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत करती होगी, जबकि वो जालिम तरीन इंसान थे। हिटलर की माँ भी करती होगी, किरदार अदा करता। जैसे शेक्सपियर ने कहा ना कि दुनिया एक स्टेज है, हर शख्स आता है एक्ट करता, एक्टिंग करता है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स, हम सब एक्टर्स। अब मसलन आप अपने वालिद या वालदा के पास जाएंगे तो उस वक्त आप बेटी या बेटा होते, वो किरदार अदा करते हैं। फिर आप अपनी जवजा के पास जाएं, शौहर के पास जाएं, तो आप एक स्पाउस है, या तो शौहर है या बीवी है। बच्चे आपके सामने आए उस वक्त आप किरदार अदा करेंगे माँ का या बाप का। हम उम्र होंगे, भाई बहन होंगे, तो उनके साथ आप भाई बहन का किरदार होगा। तो इंसान, एक इंसान कितने किरदार जिंदगी में अदा करता है, और वो कमाल उसका ये नहीं है कि हर किरदार जो अदा करे उसमें जो जिम्मेदारी और हुकूक है उस रोल के वो पूरे करे। एक अच्छा एक्टर यही तो करता है ना, वो ऐसी एक्टिंग करता है कि लगता है बिल्कुल सही है, सचमुच हो रहा है। तो औरत के मकामात देखें, जब वो माँ, अच्छा जी अब देखिए एक लड़की है दुनिया में आई जरा बड़ी हुई, तो अब उससे बड़े उसके माँ बाप हैं, तो उनका अदब और एहतराम करती हूँ। वहां माँ बाप की बात मानना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप का मकाम उससे ज्यादा बुलंद है। उसके बाद अगर उसकी शादी होती है और वो किसी और के घर चली जाती है, तो शौहर उस घर का निगहबान है, वो ब्रेड प्रोवाइडर है, काम करके लाता है, घर को संभालता है। अब इसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि घर को और फिर औलाद हो जाए तो बच्चों की तरबियत या अपनी तालीम हासिल करे, जो भी करना है। मगर यहाँ एक सरबरा घर का, तो उसकी किसी हद तक जायज बात मानना लाजिम, जायज बात ही जुमला सर। मगर जब वो माँ बनती है और उसकी औलाद होती है और वो माँ बनती, अब उसका दर्जा औलाद के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बुलंद है, शौहर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। और अगर वो माँ बनती है तो औलाद के कॉन्टेक्स्ट में उसका दर्जा बहुत बुलंद है। तभी कहा है कि उसके पैरों के नीचे जन्नत, यानी खिदमत करे औलाद अपनी माँ की, खिदमत करे माँ की, बाप की भी खिदमत करे। तो अब कुछ घरों में ये होता है, बल्कि बहुत सारे घरों में होता है, अब तो पता नहीं दुनिया क्या बदल गई, ये समझ में आया, मतलब इंसानियत तो पता नहीं कहाँ चली गई, कि औरत जो है वो घर को बनाती भी है और घर को बर्बाद भी करती है। एक दफा मैंने आपसे कहा था, आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया, मर्द जब रोता है, कभी मर्द को देखे रोते हुए आप, तो वो आंखों पे हाथ रखेगा, वो अपनी आंखों पे हाथ रखकर अपने आंसू छुपाता है। औरत जब रोती है तो मुंह पे हाथ रखती है, पता है क्यों? मर्द गुनाह करता है आंखों से, औरत करती है गुनाह जुबान से, औरत जबान से गुनाह करती है। तो अब यही औरत अगर चाहे तो घर को बना दे, और यही औरत चाहे तो घर को बर्बाद कर दे। कई घर ऐसे हैं, हम तो पब्लिक के अंदर रहे, हमें तो लोग आते हैं हमारे पास, जहां औरत की वजह से घर तबाह हुए। हमारे माशरे में औरत अदम तहफ़ुज़ का शिकार है, इनसिक्योरिटी का शिकार है, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी, इसीलिए वो सोना खरीदती है। जितना जेवर, जितने गहने, जितनी चूड़ियां उसके पास होगी, वो अपने आप को सिक्योर समझती है, क्योंकि वो जो माल है उसके पास वो उसकी सिक्योरिटी है। इसी तरह वो दूसरी खवातीन से बात करेगी, शौहर के जाने के बाद पड़ोसन से बात करेगी किसी और से, क्योंकि वहां उसको वो तवज्जो मिल रही है, उसकी कोई बात सुनने वाला है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। बहुत मुश्किल है खातून का कि वो अपनी जबान बंद रखे, अपने घर की बात किसी से ना करे, शौहर के बारे में सास के, ये बहुत मुश्किल काम है।
और अपनी बहू को उसी तरह ट्रीट करे जैसे अपनी सगी बेटी को करती है, बहुत मुश्किल काम है, मगर यही तो कमाल है कि अगर इंसान ये कर ले तो उसकी आखिरत सवर जाएगी। जहां उसने जुल्म किया, ज्यादती की, नाइंसाफी की, पकड़ ऐसी सख्त के पूछो मत। हमारे माशरे में जो चीज की कमी रहेगी वो ये रहेगी कि आपने अक्सर सुना होगा दाढ़ी रखना सुन्नत है, टोपी रखना सुन्नत है, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो, रमजान में रोजे रखा करो, इतना। मगर आपने कभी सुना है कि सच बोलना सुन्नत है, दयानतदारी सुन्नत है, ईमानदारी सुन्नत है, दूसरों का ख्याल रखना सुन्नत है, जानवरों का ख्याल रखना सुन्नत है, दरख्त लगाना सुन्नत है? ये आप नहीं सुनेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि इन बातों से कुछ खास लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रिलीजन में, दीन में जब पॉलिटिक्स और पावर आ जाए तो दीन का जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल बदल जाता है। मैं भी मस्जिद वाली बात करूं, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल दीन की बदल जाती है। तो इन चीजों पे आपने आमतौर पर नहीं सुना होगा। इल्म के ऊपर इतनी मुस्तनद हदीस है, इतनी मुस्तनद, कई पीछे डाली हुई है। आज इस टीवी को देखते हुए मुझे नहीं पता, रोज तो मैं टीवी देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, अब तो खैर देखता भी नहीं हूं, पाकिस्तानी चैनल्स नहीं देखता, मैं तंग आ गया। चार बैठे हुए सियासतदान, पीछे सब गले में हाथ डाल के चाय पी रहे होते हैं, सामने लड़ते हैं, वो इसकी बुराई करता है। या तो हमारा, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर, हम माजी भूल जाते हैं अपना, हम 2 साल पहले कहाँ थे, किसके साथ थे, किसकी तारीफ कर रहे थे, किसकी बुराई, आज हम तब्दील हो गए। ये मुनाफिकत की बड़ी आला मिसाल है। तो मैंने बंद कर दिया बहुत अरसे से टीवी देखना, मगर मुझे याद है कि जब तक मैं टीवी देखता था, पाकिस्तानी चैनल्स की बात कर रहा हूं, तो एक मरतबा मैंने जिंदगी में हदीस सुनी, पता नहीं वो कैसे आ गई टीवी, एक मरतबा, उसके बाद आज तक मैंने ये हदीस नहीं सुनी। और मुस्तनद हदीस है, तमाम फिरके मुत्तहिद इसके ऊपर कि 100% ऑथेंटिक हदीस है। इल्म का हासिल करना, इल्म का हासिल करना हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत पर फर्ज है। आप देखिए कमाल की हदीस, ये नहीं कहना कि, ये नहीं कहा कि इल्म का हासिल करना हर मोमिन पर फर्ज है, मर्द और औरत स्पेसिफाई किया ताकि इबहाम ना रहे कि इसमें औरत शामिल नहीं है, इबहाम ना रहे, साफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा। अच्छा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा, खुदा का पैगाम था वो उन्होंने पहुंचा। इल्म अगर इंसान ले ले तो फिर आपको मोहताजगी खत्म हो गया, आप बाशऊर हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। पर जब तक इल्म नहीं होगा आप दूसरों के पीछे भागोगे, वो हर कोई अपनी एडवाइस देगा, अपनी तरफ कहते ही कोशिश करेगा, ये सारा मसला। अब औरत माँ है तो मकाम बहुत बुलंद है, मर्द हो या औरत हो, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी, बस ये समझ लें। किसी भी रिश्ते में जिस मकाम पर हैं, जिस पोजीशन में आप हैं, उस पोजीशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां होती है, और सामने वाला जो रिश्ता आपके सामने है उसके कुछ हकूक होते हैं। औलाद के भी हकूक है भाई, जो ये बता दें, औलाद के भी हकूक है, माँ बाप के भी हकूक है, बीवी का शौहर पे, शौहर बीवी पे हकूक है, हमसायों के हकूक है, सबके हकूक है, जानवरों के हकूक है भाई, जानवर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपने घोड़े, अपने ऊंट को कभी ताजियाना नहीं मारा, ये चापक नहीं मारे। हम क्या करते हैं रास्ते में, कभी देखें गधा गाड़ी, अभी भी कभी कभी नजर आती, क्या हाल करते हैं उस बेचारे जानवर के साथ, उनके पेट का सवाल है, उसके लिए वो मारते हैं, कुछ तकलीफ शदीद वजन डालते हैं उसके ऊपर। जी हालात बड़े अजीब और गरीब है। एनी वे, तो ये मां को समझना है जी, अगर वो ज्यादती करती है तो वो मकाम वहां पर उसके लिए कुछ नहीं है, ये बात समझ ले। औरत के लिए मां का मकाम औलाद के लिए है, खुद औरत के लिए नहीं है, उसको अपने मां बाप की खिदमत करनी है, अपने शौहर को राजी करना है, अपने रिश्तेदारों को राजी करना है। आखिरी सवाल पे आते हैं जी, अभी अभी हाजरीन में सा क्या बात है, मोहब्बत क्या होती है? जहरा सादिक ने लिखा है एक शायर की एक नजम का एक मिसरा है मेरे ख्याल में, या शेर है, मुझे याद नहीं पूरा, सुना नहीं, मोहब्बत क्या होती है?
मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश बंद भी हो जाए तो पानी कम नहीं होता। आई समझ रहा? एक ऐसा जज्बा है कि इस जज्बे से इंसान अपने रब से कनेक्टेड। पहला जो कनेक्शन है हमारा रब से, वो मोहब्बत का रिश्ता, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है हमसे, ये वो पहला रिश्ता वहां से आता है। फिर दुनिया में आने के बाद आपको मोहब्बत सिखाई किसने? वालिदैन। इसी तरह आप जिंदगी में बड़े हुए, कुछ दोस्तों ने मोहब्बत दी, कुछ आपने दोस्तों को मोहब्बत दी, तो मोहब्बत करना सीखते हैं, मगर मोहब्बत निभाना नहीं सिखाया किसी। जब तक आपकी वालदा अच्छी ना हो, मोहब्बत निभाना वालदा सिखाती है कि मोहब्बत कैसे निभाई जाती है, रिश्तों को अपने मकाम पर रखकर उन रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। तो मोहब्बत एक जज्बा है। अब ये जज्बे भी दो किस्म के हैं, जज्बे के दो हिस्से। एक मोहब्बत वो है जिसका रूह से ताल्लुक है, और ये वो मोहब्बत है जो ना कुछ मांगती है ना कुछ चाहती है, वो बस है मोहब्बत। कभी कभी आप तो मैं देखता हूं, जाहिर है कई मजाहिब को स्टडी किया है, हिंदुइज्म में जब वो भगवान के सामने जाता है मंदिर में, हाथ बांध के खड़ा होता, आंखें बंद होती है, वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ताल्लुक का इजहार कर रहा है, मगर अगर फिर मांग लिया तो वो मोहब्बत ना हो, मांग लिया तो वो मोहब्बत ना। तो मोहब्बत, चंद चीजें मोहब्बत के हवाले से बता दूं, मोहब्बत देने वाली होती है, लेने वाली नहीं। मोहब्बत कभी मांगती नहीं है, कभी सवाल नहीं करती, और अगर मोहब्बत शादी में तब्दील हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती, ये हकीकत है। क्योंकि जो चीज मिल जाए, ये हकीकत है, वही सवाल पे आ जाए जो सबसे पहला सवाल था हमारे दोस्त का, या शायद दूसरा सवाल था, दूसरा तीसरा सवाल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से। जब कोई चीज मिल जाती है तो हमें उसकी कदर और कीमत हम खो बैठते हैं। आप नोटिस कर लें अपनी जिंदगी में, एक चीज के पीछे भागे, मिल गई अब आपको कोई और चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, मतलब एक मोटरसाइकिल ले ली, अब आप सोचते हैं गाड़ी कभी मिल जाए मुझे, है ना। तो इंसान की नेचर में ये उसकी जो दूसरी फितरत है, दो फितरत है, एक फितरत है सलीम जो अल्लाह ने दी है, एक फितरत वो है जो दुनिया बना दिया। ये जो दुनियावी फितरत है जिसको हम अपनी जमान में अनरियल सेल्फ कहते हैं, वो हमेशा खूब से खूब तक तलाश करती, कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, मगर उसके कुछ कवायद और उसूल है और जवाबित है, उसके अंदर रहते हुए इंसान तरक्की करे। तो अब ना देने वाली बात, ना लेने वाली बात, ना मांगने वाली बात। तो अगर ये जज्बा इंसान के अंदर ना होता तो खुदा की कसम कोई मां अपने पेट में 9 महीने बच्चा ना रखे, और पैदा होने के बाद जब वो पूरी पूरी रात जगाता है, रुलाता है, मां कभी भी उसका ख्याल ना रखती। ये मोहब्बत है जिसने जोड़ के रखा। कभी कभी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, एक दफा बहुत साल पहले इस्लामाबाद, हाथी के अलावा या 2-3 और जानवर है, उसके अलावा जितने जानवर हैं उनके बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, इंसान का बच्चा 9 महीने क्यों लेता? तो मैंने कहा ममता को पैदा होने में 9 महीने लगते या 6-7-8-9 महीने लगते ममता। वो जो ममता पैदा होती है वही ममता सारी जिंदगी उस बच्चे से प्यार करेगी, उसके लिए जान दे देगी, उसके लिए खुद भूखी होगी, उस बच्चे को खाना खिलाएगी। ये ममता पैदा होना बड़ा जरूरी है, शायद अल्लाह ताला ममता पैदा करता है उसके। तो मोहब्बत वो जज्बा। अब कभी मोहब्बत हो जाए तो शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि वो आपको मारिफत इलाही की तरफ ले जाएगी, मोहब्बत ले जाएगी। सूफिया कराम यही बात तो करते हैं ना, अल्लाह से मोहब्बत। और कई दफा ये होता है कि इश्क मिजाजी होता है, किसी हकीकी होता है, अल्लाह चूंकि नजर नहीं आता, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उस रिश्ते को बनाना बड़ा मुश्किल है। इंसान की जो ये जहन है, जो मादा है, उसके अंदर जो ब्रेन है, वो हमेशा किसी चीज को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, छूना चाहता है, चखना चाहता है, सूंघना चाहता है। जब तक हवा से फमसा में कोई चीज नहीं आती, उसके साथ ताल्लुक बांधना बनाना बहुत मुश्किल काम। और अल्लाह तो हमारे आवास में आ ही नहीं सकता, ना हमारे ख्वाबो ख्याल में आ सकता है, ना तखयुलात में, ना तसव्वुरात में, किसी में अल्लाह आ ही नहीं सकता, वो तमाम चीजों से बालतर।
तो होता क्या है कि इंसान से जब मोहब्बत होती है वो नजर भी आता है, उस इंसान की वजह से आपके अंदर मोहब्बत पैदा होती है और वो मोहब्बत को फिर इवेंचुअली आप रब की तरफ डायरेक्ट करते हैं, जिसे इश्क हकीकी कहते हैं। तो इश्क मिजाजी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शर्त यह है कि आप हकीकत में मोहब्बत करते हो, कोई सौदाबाजी ना हो, कोई शॉपकीपिंग ना हो, इस हाथ से दो इस हाथ से लो, तुम ये दोगे मैं ये दूंगी, है ना, वादा करो। ये वादा जो है जब किया अगर है तो फिर निभाना पड़ता है, कमिटमेंट अगर किसी से किया है तो। मोहब्बत में आप उसे अपनाने की कोशिश ना करें, अगर वो आ जाता है तो ठीक है अपने तौर पर, कोशिश ना करें फिर वो मोहब्बत नहीं रहेगी। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, कुछ नौजवान यहाँ बैठे हैं बहुत सारे, आपने नोटिस किया होगा कि जब तक वो आपसे बात नहीं करती आप बेचैन रहते हो, आप कोशिश करते रहते वो बात करें, होता है ना, जब बात करना शुरू कर देती है फिर कुछ अरसे के बाद कुछ और पसंद आ जाती है, खूब से खूब तक की तलाश। तो अगेन ये भी फितरत का हिस्सा है, जो हमारी दूसरी वाली फितरत है जिसको मान रियल सेल्फ कहते हैं, उसमें ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मोहब्बत बहुत ही पाकीजा जज्बा है, उसे पाकीजा ही रहने दें, और अगर जिंदगी में मोहब्बत हो जाए, हकीकी मोहब्बत हो जाए तो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि उस मोहब्बत में आपको रब याद आना शुरू होगा और वही मोहब्बत आपको अल्लाह की तरफ देती है। किसी ने एक दफा मैंने एक बड़े आलिम दीन से सुना, हम शायद टीवी पे थे, मुस्तनद आलिम बाकी उलमाए कराम जो, उन्होंने एक बात की थी, मुझे पूरी जुमला याद नहीं है मगर शायद उसमें से कुछ हिस्सा में बता सकता हूँ, कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, इश्क मेराज है मोहब्बत, और आप वो काम ना करें जो अल्लाह नापसंद करता, और अगर किसी वजह से आपके साथ शादी नहीं होती और आप सारी जिंदगी उसी मोहब्बत में गुजार लें, तो मरने के बाद आपका दर्जा शहीद से ज्यादा बुलंद हो। तो मैं सोचने लगा क्यों, शहीद का दर्जा तो बहुत बुलंद होता है। फिर मुझे समझ में आया, शहीद एक दफा मरता है, आशिक कई मरतबा मरता है, बार बार मरता है, फिर हिम्मत करता है, फिर जीता है, फिर मरता है, लब पे शिकवा ना हो किसी किस्म का भी, ना अल्लाह से ना महबूब से, तो अगर ये जिंदगी होगी तो ये असल मोहब्बत। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं मराकबा। आज मराकबे का हम सेकंड स्टेप, ये स्टेप बड़ा लंबा होगा, पहला स्टेप में मैंने आपको सिर्फ पुरसुकून किया था, आंखें बंद करके आपने सिर्फ नॉर्मल सांस ली, गहरी नहीं, नॉर्मल सांस ली, सांस निकाली और अपनी तवज्जो सांस पे मरकूज रखी। आज मैं आपको 5 मिनट कराऊंगा, आंखें बंद करके आप नॉर्मल सांस लेंगे और आपके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से में आपकी अवेयरनेस को फैलाऊंगा, यानी आपने तवज्जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लानी, ये रिलैक्सेशन नहीं है कोई और पर्पज है इसका, ये शऊर को बुलंद करना है, बाशऊर करना है, मुशाहदे की ताकत बढ़ानी है, लिविंग कॉन्शियसली शऊर के साथ इस लम्हे में जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। उसके बाद फिर मैं कहूंगा हीलिंग शुरू करेंगे, हीलिंग में आपको पता है अपने जिस्म पर हाथ रखें, या सलामो पढ़ते रहे, पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर दुरूद शरीफ, फिर अपने जिस्म पर हाथ रखें, आप बीमार है अगर घर में कोई बीमार है उसके जिस्म पर हाथ रखें, कोई दूर है जो बीमार है तो अपने जिस्म पर हाथ रखें उसका तसव्वुर, ठीक है, आंखें बंद करें, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा क्या क्या करना। सुकून के साथ बैठिएगा, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने आने वाली सांस पर तवज्जो मरकूज करें, सांस निकाल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, गहरी नहीं लेनी, नॉर्मल सांस लेनी है, सांस रोकनी नहीं है, सिर्फ सांस को लेते हुए महसूस करें, सांस जब आपके अंदर से निकल रही है उस चीज को महसूस करें। अब इस वक्त आप बैठे हैं, आंखें बंद रखिएगा, सिर्फ मेरी बातों पर, आवाज पर गौर करें जो कह रहा हूं उस पर बंद करें। आप जहां बैठे हैं आपने एक खला अपने लिए मुंतखब की है, उस खला के अंदर मौजूद है, उस स्पेस में मौजूद है जहां आप हैं, उस स्पेस को महसूस करें, आपके सामने, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके ऊपर, आपके नीचे,
ये खला है, उस खला के अंदर आप मौजूद हैं, जैसे कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, उस तरह एक कैप्सूल में आप मौजूद हैं, महसूस करें अपने आप को उस कैप्सूल में, और जो कैप्सूल है वो स्पेस है आपके चारों तरफ ऊपर नीचे। इसी कैप्सूल के अंदर आपका जिस्म भी है, इसी कैप्सूल में आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, आपके नजरियात हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, आइडियाज है आपकी, आपकी सोच है। इसी कैप्सूल में आपकी रूह भी है, इसी कैप्सूल में आपका माजी भी है, इसी के अंदर आपका मुस्तकबिल भी, इसी के अंदर आपकी पसंद भी है और नापसंद। तो आपके अंदर और कितने आठ मौजूद हैं, आप नजर तो एक आते हैं, जो आंखों को नजर आते हैं वो आप एक हैं, मगर दरअसल आप बहुत और भी हैं। आप जज्बात और एहसासात भी हैं, आप नजरियात और आइडियोलॉजी भी हैं, आप यकीन भी हैं, ईमान भी हैं, आप पसंद और नापसंद भी हैं। अगर इन तमाम को हम बाहर निकालकर सबको एक जिस्म दे दें तो आपके कितने जिस्म होंगे? सेंस करें, मुशायदा करें, महसूस करें, आपके आगे बैठा हुआ शख्स, आपके पीछे बैठा हुआ शख्स, आपके दाएं और आपके बाएं बैठा हुआ कोई शख्स, बिकम अवेयर कि आपके आगे भी कोई है और हमेशा होगा, आपके पीछे कोई है या फिर हमेशा होगा, हमेशा आपके दाएं भी कोई होगा, बाएं भी कोई होगा। हम सब तस्बीह के उन दानों की तरह है जो एक धागे में प्रवी है, मुख्तलिफ दाने हैं जो एक ही धागे में मुंसलिक। इसी तरह मैं, आप, तमाम स्पेस में मौजूद मखलूक, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आप हैं वैसे ही दूसरे हैं, उनके भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, नजरियात हैं, आइडियोलॉजी है, पसंद है, नापसंद है। अब याद करें कि कभी आप बीमार थे और आपको शिफा हुई, आप ठीक हो गए, या याद करें कि आपने कोई काम किया और आप उसमें कामयाब हो गए। इम्तिहान में पास हुए हो, कोई अवार्ड मिला हो, कोई चीज आपने कारोबार में या अपनी जॉब में आपको शाबाशी मिली हो, याद करें उस यकीन को, याद करें जो आपकी जात में मौजूद है। अब अपने जिस्म पर हाथ रख लें, अगर आप घर में बैठे हैं, अगर घर में कोई बीमार है उसके जिस्म पर दोनों हाथ रखिएगा, कोई दूर है उसका तसव्वुर करके अपने जिस्म पर हाथ रखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वुज़ू पाक और उसके बाद हाथ रखकर या सलाम होगा।